निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़, एडमिशन ओपन क्लास नर्सरी टू 12, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, एफिलियेटेड टू यूपी बोर्ड, एक्सेलेंट टीचिंग मेथड, कंडक्टिंग वेरियस कॉम्पिटिशंस, को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज, एंश्योर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ योर चाइल्ड, कंप्लीट एजुकेशन विद कॉन्फिडेंस, वेल मेंटेन कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, सीसीटीवी सर्विलांस, वेंटिलेटेड क्लासरूम एंड सेफ कंपाउंड, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, खुशखबरी विद्यालय को विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मिली मान्यता, लिमिटेड सीट्स, एडमिशन के लिए जल्दी करें। जय हिंद, आदाब, मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। सबसे तेज और ताजा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव यूपी के जिला आजमगढ़ के रानी की सराय क्षेत्र के चढ़ई गांव में सीआरपीएफ जवान परविंद यादव के घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दिए और कहा कि परविंद दहशतगर्दों के हमले में शहीद हुआ है, उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, उसके परिवार को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, उनका इसके लिए पूरा प्रयास रहेगा। वहीं शिवपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी के जरिए केंद्र की बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर चलाए जा रहे अभियान पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है। वहीं उन्होंने भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और बिजली के मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि सभी मुद्दों पर सरकार पूरी तरह से फेल है, जनता को बुनियादी सुविधाएं सरकार नहीं दे पा रही है और जनता जन समस्याओं से दोचार है। वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी शिवपाल यादव ने बड़ा सवाल खड़ा करते हुए कहा कि पुलिस हिरासत में पत्रकार और वकील के भेष में कोर्ट के अंदर हत्या हो जा रही है, ये बड़ा सवाल है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में प्रदेश में सभी 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतेगी और केंद्र में विपक्ष की सरकार बनेगी। मीडिया से बातचीत करते हुए शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। आज जो आप सांत्वना देने परिवार को क्या कहेंगे? देखिए, देश सेवा करते हुए परविंदर शहीद हुआ है तो उसे एक तो शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, आर्थिक मदद भी परिवार को मिलना चाहिए, उसकी पत्नी को नौकरी भी मिलना चाहिए, ये सभी सुविधाएं मिलना चाहिए और उसके नाम से कोई न कोई पार्ट या जो भी परिवार की मांग हो उसे सरकार को पूरा करना चाहिए। हम सब, हमारा प्रयास सब लोगों का होगा कि उन्हें पूरे परिवार को आर्थिक मदद से लेकर के शहीद का दर्जा से लेकर के सभी सुविधाएं जितनी हैं वो सभी मिलना चाहिए। लोकसभा चुनाव कर दिए हैं, लगातार हर नेता 9 साल की खूबियों को बता रहे हैं अलग अलग करके, आप क्या समाजवादी पार्टी का क्या रुख है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने भी अपना संगठन को मजबूत करने का शुरुआत कर दी है और भारतीय जनता पार्टी की जो आप लोग कह रहे हैं कि 9 साल में कोई भी इन्होंने विकास का काम किया नहीं, कोई भी वादे पूरे किए नहीं और कोई ऐसा काम भी नहीं किया है। अगर ये 9 साल में अगर 5 काम ही बता दें, कौन सा काम 5 काम का, परेशानियां ही दी हैं। देखिए, जनता को परेशानी दी, किसान, गरीब, नौजवान, सबको परेशानियां ही दी हैं इतनी। देखिए, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और आज ही देख लीजिए बिजली कितना बुरा हाल है। आज नहरों में पानी नहीं है, अब धान की फसल तैयार होनी है तो अभी नहरों में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो ये सरकार पूरी तरह से विफल। और लाइन आर्डर के मामले में आप जानते ही हो ना, पुलिस संरक्षण में हत्याएं हो जाएं, पत्रकारों के भेष में हत्याएं हो जाएं, तो बताइए पत्रकारों को भी बदनाम किया है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकार उसे भी बदनाम किया, वकीलों को, और यहाँ तक कि अदालत में हत्याएं हो जाएं पुलिस संरक्षण में, तो पूरी तरह से विफल सरकारें हैं। लाइन आर्डर, पूरी तरह से लाइन आर्डर में विफल हैं, तो कोई काम तो किया नहीं 9 साल में, केवल जनता को धोखा दिया है केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने।
2014 चुनौती मानते हैं सर? देखिए, जितने भी हम सब लोग सेकुलर लोग हैं, सभी को इकट्ठा करेंगे और उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें हैं, 80 सीटों पर भी हम सब विपक्ष को इकट्ठा करके, जितने भी सेकुलर लोग हैं सबको इकट्ठा करके, भारतीय जनता पार्टी को 80 सीटों पर चुनाव लड़ करके हराने का काम करें। आजमगढ़ से अगर आपको मौका मिलता है लोकसभा चुनाव लड़ने का तो क्या करेंगे? वो हमारी राष्ट्रीय पार्टी फैसला लेगी, राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। अब जो राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा सर, यहाँ का एयरपोर्ट है उसको लेकर बहुत सियासत हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? जैसे न्यू कहते हैं समाजवादी पार्टी ने डाली, बीजेपी वाले कह रहे हैं किसको हम बना रहे हैं, लगातार चुनौतियाँ आ रही, क्या कहेंगे सर? अच्छा, तो सहमति क्यों नहीं किसानों की बना लेती? बिना सहमति के सहमति बनाना चाहिए, ये तो कानून है, सहमति बनाए किसानों से। और अगर बनाना तो है नहीं उन्हें, एयरपोर्ट बनाना होता तो सहमति बना ले किसानों को, बजट में ना है ये नहीं कहना। उसमें बीजेपी के नेताओं कहना कि सपा के जो वरिष्ठ अच्छा नेताओं ने अपने हेलीकॉप्टर उतारने के लिए केवल बनाया था इतनी जगह, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज उतरता है, हवाई जहाज उतरता है। अच्छा, हेलीपैड के लिए तो हेलीपैड बनता है, ये तो हवाई पट्टी बनी थी, इस पर तो कोई भी विमान उतार सकते थे। कई विकास के विरोधी सपा जो है, देखिए समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा जितने एक्सप्रेस वे बने हैं कहीं विवाद नहीं हुआ है किसानों को, किसानों की सहमति करो, उन्हें पैसा दीजिएगा, सहमति बनाओ और पैसा दो उन्हें, क्यों नहीं बनाती? अब बजट में पैसा नहीं, शोर मचा रहे, चार गुना पैसा दे रहे हैं। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।